मोतिहारी के ईस्ट चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा वार्षिक समारोह मनाया गया। मोतिहार के सूर्या होटल में ईस्ट चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक महासचिव ओम गुप्त की अध्यक्षता में बैठक हुई और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। संस्था के वार्षिक समारोह में संस्था में अभी तक के कार्यकाल को रखा गया। वर्तमान साल की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिला के व्यवसायियों की समस्या सुना गया और आवेदन स्वीकार भी किया गया। सभी विभागों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। संस्था को मजबूत करने के लिए विस्तार से बात हुई। संस्था के द्वारा सभी व्यवसायियों को लाभ मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। गरीब तत्वों के लोगों को हमेशा संस्था सहायता करती है, आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष देव नारायण गुप्ता, मनोज जायसवाल, उपेंद्र तिवारी, सुभाष चंद्र गुप्त, सुजीत कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में व्यवसायी लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से प्रदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। ईस्ट चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी व्यवसायियों के लिए मैं हर विभाग से हर समस्या के लिए त्वरित हूँ। कल ही मुझे एक व्यवसाय पकड़े दल के सुजीत कुमार जी बोले कि सर, सभी जगह हड़ताल हो रही है, सूरत में हो रही है, अहमदाबाद में हो रही है और आप हड़ताल नहीं करा रहे हैं। हमने कहा कि हड़ताल बिल्कुल हम कराएंगे। हमारे पास अभी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपको कोई संगठन करा रहा है तो बताइए। उन्होंने कहा कि जानकारी, फिर हमने फ़ोन किया और उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात सज्जन जी सचिव जी से हुई। उन्होंने बताया कि जो 5% कपड़ा पर वो ले रहे हैं वो लोग अपना 12% कर रहे हैं। तो 5% हम लोग दे रहे हैं, 12% देंगे तो वही बात हुई। अब है कि वो लोग ये कर रहे हैं तो कंज्यूमर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों को खुद पता है। इसके लिए काउंसिल की बैठक हो रही है और काउंसिल की बैठक में हम लोग ने अपना विचार रखा है कि नहीं, अभी कपड़ा पर तो टैक्स कई वर्षों से नहीं है, फिर अभी आप 5% लगा रहे, फिर तुरंत आप 12% कर रहे हैं, इसमें गरीब को क्या होगा? गरीब व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हैं, उनका क्या होगा? फिर हमने आज बैठक बहुत सफल बैठक हुई है जी। और हम लोग पिछले 10 साल से इस संस्था को लेकर के काफ़ी काम किए हैं हम लोग और आगे भी हम लोग का करेंगे। व्यवसायी लोगों की यूनिटी बनी रहनी चाहिए, जिसके चलते कई जो गवर्नमेंट के लैप्सेस होते हैं जो हम लोग के अगेंस्ट होते हैं उसको हम लोग फेस कर सकते हैं और उसके लिए लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिटी के लिए व्यवसायियों की यह संस्था और आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। क्या नाम हुआ सर? मेरा विजय अग्रवाल।